34 वर्षीय एक और युवक जो कि विवाहित थे और 2 साल पहले इनकी शादी हुई थी, इनका शव भी बड़े रहस्यमय तरीके से जम्मू के तालाब तिल्लो इलाके से मिला है। वैसे ये रहने वाले सांबा इलाके की हैं, इनके परिवार के कुछ लोग हैं। आज सुबह भी आप प्रदर्शन देख रहे थे सांबा से, हमने आपको जो विजुअल्स दिखाए, ऑलरेडी सांबा में जो है इनके परिवार और कुछ जो आसपास के लोग हैं उनके तरफ से प्रदर्शन किया गया, इंसाफ की गुहार लगाई गई है। अभी ये 34 वर्षीय जिनका शव बरामद हुआ है उनका पोस्टमार्टम चल रहा है जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी में। हम इन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार ये क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा ना आके, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र जी, के गल है और के तुस एज ए परिवार के इंसाफ की गुहार? सर अस चाहते हैं कि जो साड़ा भरा तो चली गया हूँ, मगर इनकी उसी बिल्कुल इंसाफ मिले जाए। वो बद को बद जो फैमिली इन्हें से मर्डर किया गया है, कोई सुसाइड वाला कोई नहीं है, सुसाइड का इल्जाम लगा था कि उन्हें सुसाइड किया है, मगर मारिए भी टंगी सकते हैं। ठीक है, अस ये चाहते हैं कि वो बिल्कुल इंसाफ किया जाए। क्या आपके साथ कब मुलाकात हुई थी, आपके क्या लगते थे रिलेशन में? मेरा कज़न है, चाचा जी का लड़का मेरा। अच्छा। मेरे से बात हुई इसकी कोई 2.5 साल पहले, मेरे को घर चाचा जी का फ़ोन आया कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा, तो एक बार तू मिल के आ, तो तू पास में ही है तो मिल के आ उससे। मैं फ़ोन किया मैंने उसको, तो उसने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। फिर मैंने इसकी वाइफ को फ़ोन किया, वो कहती वो घर पर ही है, तो चलो मैं उनकी बोलती हूँ कि आपको फ़ोन उठाते हैं, तो चलो ठीक है। उसने फ़ोन बात बस इतनी बात हुई, उसने फ़ोन काट दिया मेरा। तो शाम को मैं ऐसे मेरे दिमाग में आया, मैं चलो मैं मिल के आता हूँ घर से। मैं रात को घर चला गया उसके 8:30 बजे करीब, तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, तो बाहर आ जा मेरे पास, तेरे से बात करनी है। वो बाहर आ गया, मैंने 10 मिनट बिठाया उसको गाड़ी में, तो बात कर रहे थे, मैं बता क्या टेंशन क्या है, तो फ़ोन नहीं उठा रहा किसी का, ना तो मेरा उठा रहा है ना घर वालों को उठा रहा है। घर वालों ने मेरे को फ़ोन कर दिया, तो कहता तू चले घर चले जा, कोई बात नहीं मैं तेरे से बाद में बात कर लूँगा। इतने में उसकी वाइफ आ गई, उसका यह था कि मैं घर के अंदर ना जाऊँ, मेरे को जगह यह कि मैं इसके घर के अंदर ना लेके जाऊँ। मैं घर से यही सोच के गया था मैं भी घर के अंदर जाऊँगा जैसे भी होगा, पता लगे मेरे को कि ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, प्रॉब्लम क्या, घर जाके अंदर ही पता लगेगी। मैं घर के अंदर चला गया, अंदर जाके वो जैसे वो बात कर रहा था, मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी डरा हुआ है। घर में उसने बात की मेरे से पूरी, और खुल के तो बात उसने की नहीं, वैसे डर डर के घर से बात कर रहा था कि हाँ भाई ये है वो है, मैं आ जाऊँगा 2-3 दिन के बाद, मैं घर पर आ जाऊँगा अपने। घर वाले जैसे कर रहे थे बात, अकेले में उसे छोड़ा नहीं मेरे साथ कि अकेले में ये बात करे उसके साथ और बात हो। 2-3 बार उसने यही बोला कि तू घर चले जा, कोई बात नहीं मैं तेरे से आके बाद में बात कर लूँगा, बस इतनी बात हुई थी लास्ट में भी उसके बाद। थोड़ा कितना है? मुख्तियार सिंह। तुस इलाके दे सरपंच हो? मैं सरपंच हूँ। तुस के गुहार लांदे हो क्योंकि परिवार इंसाफ मंगा? बड़ी दुख की गल है जरा इस बच्चे कहना होया, तो अस मैं अपनी पंचायत की तरफा और ग्रां की तरफा एक तो दुख प्रकट करना सारा, और मैं आखना भी इस बच्चे की इंसाफ मिलना चाहिए। जियां एडमिनिस्ट्रेशन जेड़ा बोर्ड बना दी है, ये भी अच्छी गल है कि एक डॉक्टर करता है, साढ़ा इं थोड़ी बती सानू भी कन्फ्यूजन रहनी ही, मगर हूँ असें यह है कि सानू ठीक इंसाफ मिलेगा और सानू इंसाफ मिलना चाहिए। उदे वास्ते अस पिछे नहीं हटगे, जिन्ना भी पुलिस कन्नै कोऑपरेट करगे अस, इन गाह बगाह जिले भी फोन करंगन, मैं इंदे जेड़े दोस्त होंगन जो इंदे घर दे फैमिली मैंबर होंगन, मेरी जिम्मेवारी है मैं इत्थे तक पजांगा। भैया काम के करदे है, जिंदी डैथ होई है ते फैमिली कन्नै कोई गलबात नहीं होई इंदी कि कोई? एज ए MR पहले काम करता है, मैकमिलन कंपनी च हा, उन्हें लॉकडाउन बिच कंपनी ने जानि कि छड़ी बैठा जां के होया, उसके बाद कोई कंपनी अपनी लैनी, ब्रदर दुए जो हैदराबाद ने वो 50,000 रुपया भी उन्हें भेजा उसी, और पर मंथ इसी 5-5,000 रुपया वो उतों हैदराबाद का भेजता सी, जानि कि अज उसकी वाइफ को पता लगे सानू जानि कि इं मेरे कन्ने तो टच च नहीं आ, तो जिहड़े सुना ने थोनों सुना ही सकने अस, तो बाकी उसी जानि कि इतना प्रेशराइज किते गया। मेरी SI साहब कन्नै गल हुई कि जिथे वह रखे दा हा मुड़ा रोंदा हा, वो रजाई भी जेड़ी ही वह कि जिन्ना कोई नौकरी भी नहीं हुंदी है वो कोले बदतर हालत ही होती, उसके कमरे की हालत दिखी जाता कि नौकर भी नहीं, नुहाड़ा कमरा भी शैल होंदा जिहड़ा जवाई है, जवाई भाई का कमरा ही होंदा, बाकी जिहड़े कमरे सारे दिखे ने बड़े अच्छे कमरे, वैल फर्निश्ड रहे और बिल्कुल बेकार। ये पूरा मामला है और ये परिवार के आरोप हैं, जो भी कुछ कहना है इसी परिवार का कहना है, और मैं भी अपील करूंगा कि पुलिस से जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए और क्या मामला है, किन रहस्यमय तरीकों से जो है इस 34 वर्षीय युवक जो कि एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा था उसकी जो डेथ हुई है जम्मू के तालाब तिल्लो इलाके में और रहने वाले सांबा इलाके के हैं, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की जाए। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चल्होत्रा जी के साथ JK मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।